नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 News। अभी मणिपुर की आग धीमी भी नहीं हुई थी कि 4 मई का जो क्रूरता वाला वीडियो है वो वायरल होने लगा और लगातार उसके ऊपर अब संग्राम मचा हुआ है और लोग जवाब मांग रहे हैं कि प्रधानमंत्री इतने दिनों से चुप क्यों थे, उनका मंत्रिमंडल इतने दिनों से चुप क्यों था। लेकिन अब NHRC ने यहां पर मणिपुर शासन को एक पत्र लिखा है और उसमें विस्तृत जानकारी मांगी है कि इस पूरे प्रकरण के ऊपर क्या कार्रवाई चल रही है और क्या हो रहा है। आखिर इस पे जो है अभी तक जो है इतनी बड़ी जो इतना बड़ा जो ये हो चुका है पूरा जो वाकया चला है उसके ऊपर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। उसके ऊपर NHRC ने मणिपुर प्रशासन को पत्र लिखा है जिसके जवाब वो मांग रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि 4 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार जांच यहां पर जारी है। और अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया इस पूरे मामले में अपनी दखलंदाजी कर चुका है और जब भी NHRC ने दखलंदाजी की है तो उस मामले की तह तक पहुंचकर उन्होंने सच को निकाला है। और इस बार भी ह्यूमन राइट्स की तरफ से जो है पत्र लिखा गया है और जवाब मांगा गया कि सरकार और प्रशासन और पुलिस प्रशासन अभी तक इस पूरी कार्रवाई पर चुप क्यों है और इसके ऊपर जो आरोपी हैं उनको अब तक कड़ी से कड़ी सजा क्यों नहीं दी जा रही है। और जब से ये वीडियो वायरल हुआ है सभी विपक्ष हो चाहे देश की एक एक लोग हो एक एक जनता हो सभी यही सवाल पूछ रही है कि आखिर सरकार सो रही थी जब मणिपुर जल रहा था। लेकिन बड़े अचंभे की बात यह है कि प्रधानमंत्री खुद पूछते हैं जब अपने विदेशी दौरे से आते हैं कि भारत में क्या चल रहा है, जानो कि उनको पता ही ना हो कि भारत में क्या चल रहा है। भारत में पिछले 2-3 महीनों से मणिपुर जल रहा है, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लोग अपना घर गंवा रहे हैं और लोगों को अपने राज्य छोड़ने पर भी मजबूर होना पड़ रहा है। और एक और बड़ी अचंभे की बात यहां पर सामने आई है, जब यहां पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से पूछा गया कि आखिर इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और 4 मई का वीडियो अब इतनी लेट जो है वायरल हुआ है और आप क्या इसके ऊपर कर रहे हैं, तो उनका जवाब बहुत ही हैरत अंगेज करने वाला था। उन्होंने कहा कि ये इस पूरे वाक्य को संज्ञान में लिया गया है, आरोपियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कई सारी वारदात हुई है इन पिछले 2 महीनों में, ये एक मामला नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद CM बीरेन सिंह कहते हैं कि यहाँ पर कई और सारे ऐसे मामले हुए हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं और सब पर जाँच चल रही है। ये वीडियो वायरल हुआ तो इसका जो है इतना बड़ा एजेंडा बनाया गया है, ये CM कहते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, ऐसे वाक्य ना हो उनको कंट्रोल करने की, वो ऐसे जवाब देते हैं कि ऐसे वाक्य तो बहुत सारे हो चुके हैं। अगर ऐसे वाक्य बहुत सारे हो चुके हैं तो आपकी सरकार सो रही थी क्या? क्या सिर्फ कुर्सी की मलाई लपेटने के लिए जो आपकी सरकार है और आपके जो आला कमान है वो बैठे हुए हैं? और प्रधानमंत्री मोदी की बातों से तो ऐसा नहीं लगता कि उनको इस पर जरा भी दुख है। वैसे तो कहते हैं कि उनका जो हृदय है वो पीड़ा से भरा हुआ है, लेकिन 2 महीने बाद ये बयान क्यों आता? अगर 2 महीने पहले आपका बयान आता होता, आपका मंत्रिमंडल वहां दौरा करने जाता, अमित शाह दौरा करने गए थे, लेकिन वो दौरा फेल हुआ, क्योंकि जब वो दौरे पर थे तब भी वहां पर हिंसा देखने को मिली। गृह मंत्री दौरे पर जाते हैं तब भी हिंसा देखने को मिलती है, तब भी काबू में नहीं आती स्थितियां, तो प्रधानमंत्री इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? लगातार यही सवाल सब पूछ रहे हैं और अब NHRC ने भी यही सवाल खड़ा कर दिया है कि प्रशासन आखिर कर क्या रहा है। और अगर NHRC इसके ऊपर और भी बड़ी कार्रवाई करता है तो यहां पर कोर्ट तक जो है NHRC पहुंच सकता है और यहां पर सरकार से जवाब मांग सकता है कि 2 महीने तक आप और आपका प्रशासन मौन क्यों था। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 News। धन्यवाद।